तो यार मार्केट में एक बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा नया गेम आया है जिसमें क्या करते हैं कि लोग गुट बना के बैठते हैं, एक हाथ में अखरोट लेते हैं और एक हाथ में अपना फोन, और अपने फोन से उस अखरोट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यार जिसका फोन उस अखरोट को तोड़ पाता है बिना खुद टूटे हुए, वो फोन जीत जाता है। सुन के अजीब सा लग रहा है ना, पर मैं बता रहा हूँ फ्यूचर का ट्रेंड होने वाला है, क्योंकि Xiaomi के CEO ने जो किया है ना उसके बाद डेफिनेटली ये नया गेम बनने वाला है। यार जो Xiaomi के CEO है ना ली जुन पता नहीं यार जो भी है, उन्होंने क्या किया ना, अपना नया Redmi Note 7 लेके उन्होंने वॉलनट के जो शेल होता है ना उसको क्रैक कर दिया उसपे मार के। तो आपको पता है यार जो वॉलनट होता है अखरोट कितना मुश्किल होता है उसको क्रैक करना उसके स्किन को, बट यार Redmi Note 7 से क्रैक करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उनका फोन कहीं से भी कमजोर नहीं है। यार स्पेसिफिकेशन के मामले में तो वैल्यू फॉर मनी देता ही है Xiaomi। यार अब तो देखा जाए तो उसकी बॉडी भी इतनी मजबूत इन्होंने प्रूव कर दी है। मैं देखता आ रहा हूँ हमेशा Redmi Note 5 या Redmi Note 6 जो भी फोन हो Xiaomi का, यार उनकी मेटल बॉडी होती है और इतने स्ट्रॉन्गली बिल्ड फोन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को चलाने में आसानी से 2 साल। तो यार ये फोन भी एकदम मजबूत होने वाला है, और ये सीधे फोकस करता है लोगों के स्टीरियोटाइप्स को कि यार जो सस्ते फोन होते हैं वो मजबूत नहीं होते हैं। ऐसा तो स्टीरियोटाइप बिल्कुल भी ब्रेक हो चुका है, और ये वीडियो इसको प्रूव कर देता है कि यार सस्ते फोन भी मजबूत होते हैं। तो यार उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ऐसे वीडियो आगे भी देखने हैं तो इंटरप्रेटेक को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।